नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो लोकसभा चुनाव 19 तारीख को होने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर बीएलओ की बैठक रखी गई थी। बैठक की अध्यक्षता नूरपुर के सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने की। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस बैठक में बीएलओ को पोस्टर बांटे गए, जो कि वोट वाले दिन या उससे पहले कुछ जगहों पर पोलिंग बूथ में लगाने के लिए कहा है। हमने सोचा है कि इससे अधिक से अधिक मतदान हो। इसके अतिरिक्त सभी ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे बीच दिव्यांग मतदाता हैं, उनको 100% वोटिंग करवाने का संकल्प लिया है। हमारे 100 वर्ष जिनकी आयु हो चुकी है, जितने भी मतदाता हैं, उनकी वोटिंग के लिए भी संकल्प लिया गया है कि उनको लाने के लिए हम वॉलंटियर दे रहे हैं। उन मतदाताओं को लाने के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इन मतदाताओं का पोलिंग बूथ पर स्पेशल स्वागत भी किया जाएगा। इसके अलावा फोटोकॉपी स्लिप को भी बांटने के लिए बीएलओ को दिए हैं, जिससे हमें जानकारी मिल जाएगी कि कितने लोग एब्सेंट हैं, कितने लोग शिफ्टेड हैं। ये लिस्ट बीएलओ के द्वारा प्रत्येक मतदाता को दी जाएगी। सोलन का शांति बाईपास महज 5 किलोमीटर का है और करीब 10 वर्षों से इसका निर्माण कार्य चला हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह विभागों में आपसी तालमेल की कमी और अधिकारियों की लेट लतीफी है। यही कारण है कि कई वर्षों से बाईपास का निर्माण अधर में लटका हुआ है। यही कारण है कि शहरवासियों को रोज जाम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनाने के लिए पहाड़ी खोद दी है और सड़क के आसपास आने वाले बिजली के पोलों को शिफ्ट करवाने के लिए आग्रह के साथ साथ विभाग में शिफ्टिंग के पैसे भी जमा करवा दिए हैं, लेकिन बिजली बोर्ड है कि गिरने की कगार पर खड़े करीबन आधा दर्जन पोलों को न जाने किस वजह से शिफ्ट नहीं कर रही है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि खुदाई की वजह से बिजली के पोल कभी भी गिर सकते हैं और किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन शायद विभाग किसी बड़ी दुर्घटना होने का ही इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां ये पोल गिरने की कगार पर है, वे आम रास्ता है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी यहां से गुजरते हैं, जो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, और अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। इसलिए समय रहते इन बिजली के खंभों को यहां से शिफ्ट कर देना चाहिए। सोलन पुलिस चिट्टे के व्यापार को सोलन से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने अपने गुप्तचर जिला में बढ़ा दिए हैं और हर छोटे बड़े नशे का काला कारोबार करने वाले पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही सोलन पुलिस को किसी भी नशा तस्कर की खबर मिलती है, तो वे उसे और उसके साथ जुड़े तमाम नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेती हैं। कुछ दिन पहले देवघाट से एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उससे राज उकलवा कर एक विदेशी को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि सोलन में कुछ दिन पहले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस युवक के पास से चिट्टा मिला था। जब इस युवक से सख्ती से पूछा गया तो उसने खुलासा किया कि वह नशे का सामान दिल्ली से एक विदेशी से खरीदता है। पुलिस को सुराग मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया और एक नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। फिलहाल पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। सोलन पुलिस चुनावों के चलते सख्त हो चुकी है और वह चुनावों को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। यही कारण है कि पुलिस ने विभिन्न नाकों के दौरान हजारों लीटर शराब पकड़ी है और कई एनडीपीएस के मामले भी दर्ज किए हैं। इन सभी मामलों में अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर पकड़ी गई शराब को कहां उपयोग में लाया जाना था और कहीं चुनावों के दौरान इसे वितरित करने का कार्यक्रम तो नहीं था। इन सभी पहलुओं पर पुलिस की जांच जारी है और पकड़े गए आरोपियों से भी गहन पूछताछ की जा रही है।
अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि 10 मार्च को हिमाचल में आचार संहिता लगी थी, तब से लेकर आज तक करीबन 45 मामलों में 3000 लीटर शराब को पुलिस ने विभिन्न मामलों में पकड़ा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा करीबन 16 NDPS के मामलों में चिट्टा चरस और अफीम बरामद की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सभी सीमाओं को सील कर दिया है और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही। ज्वालामुखी मंदिर में आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में पुजारी सभा। ज्वालामुखी ने आज 51 किलो दूध की खीर और 51 किलो मालपूड़े का भोग ज्वाला माँ को लगाया और सभी श्रद्धालुओं में बांटे। इस संदर्भ में पुजारी अविंदर शर्मा ने बताया कि आज अक्षय तृतीया के अवसर पर सभी भक्तों को शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन दान पूर्ण करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर ज्वालामुखी मंदिर के पुजारी सभा के सदस्यों ने आज ज्वालामुखी मंदिर का 51 किलो दूध की खीर और 51 किलो मालपूड़ों का भोग ज्वाला माँ को लगाया और सभी भक्तों में बांटा गया। हम ज्वाला माता से कामना करते हैं कि अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें।